किसके पाले में जाएगा पालघर, ये बड़ा सवाल। यूपी में कैराना, महाराष्ट्र में पालघर और गोंदिया भंडारा लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है। सबसे ज्यादा जो गर्मी है वो पालघर के उपचुनाव में है। यहां पर बीजेपी पर लग रहे हैं वोटों को खरीदने के लिए पैसे बांटने के आरोप। और इस बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस अपने कार्यकर्ताओं से साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतने की बात पार्टी कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं। कल उद्धव ठाकरे ने ये ऑडियो क्लिप एक रैली में सुनाया था। साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतने की बात करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आवाज का ये वीडियो कल उद्धव ठाकरे ने रैली में जारी किया। मी तुम्हाला या निमित्ताने एवढीच विनंती करतो आहे की एक प्रचंड मोठी लढाई आता आपल्याला लढायची आहे। आपल्या अस्तित्वाला जर कोणी त्या ठिकाणी आव्हान देत असेल आणि आपल्याशी विश्वासघात करत असेल, एखादा पक्ष आपला मित्र म्हणता म्हणता आपल्या पाठीत खंजीर खुपसत असेल, तर आपण कशा प्रकारे रिॲक्ट झालं पाहिजे। ज्याच्या रक्तामध्ये भाजप आहे तो आता शांत राहू शकत नाही। आता एवढा मोठा अटॅक आपण केला पाहिजे की भाजप काय आहे हे त्यांना लक्षात आलं पाहिजे। आणि ज्यावेळी मी सांगतो त्यावेळी एक लक्षात ठेवा, साम दाम दंड भेद ही निवडणूक जर जिंकायची असेल जशास तसं उत्तर दिलं पाहिजे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।